हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आईटीआई सपोर्ट चैनल। तो फ्रेंड, आज डीएमआरसी ने फिर से कुछ पोस्ट के रिजल्ट जो है रिलीज किए हैं। आइए देखते हैं पोस्टों से यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज का डेट यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं आज आपके यहाँ पे तीन रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। पहला रिजल्ट है सीबीटी रिजल्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट का रिलीज हुआ है, डिक्लेयर हुआ है रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट है सीबीटी रिजल्ट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन का रिलीज हो गया है। और तीसरा पोस्ट आप देख सकते हैं सीबीटी रिजल्ट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट। तो जिन भी बच्चों ने इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिए होंगे, डीएमआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आइए एक रिज़ल्ट कोई डाउनलोड करके भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिज़ल्ट आ चुका है। 3 अगस्त को आज रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे डीएमआरसी इस बार रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ भी डिक्लेयर कर दे रही है। और उसके नीचे दिया हुआ है द स्कोर कार्ड एंड रिस्पॉन्स शीट ऑफ कैंडिडेट विल बी अपलोड ऑन डीएमआरसी वेबसाइट शॉर्टली। इसका मतलब ये है कि आगे जो भी रिजल्ट आएंगे उनके साथ साथ कट ऑफ भी दिया रहेगा। और डीएमआरसी इस बार अच्छी बात यह है कि कुछ कट ऑफ खुद से जारी कर दे रही है। नहीं तो पहले ये होता था कि आरटीआई हमें लगा के कट ऑफ की जानकारी लेनी पड़ती थी, लेकिन इस बार खुद से डीएमआरसी जो है कट ऑफ जारी कर रही है। और यहाँ पे उसने लिस्ट भी दे रखी है और रिस्पॉन्स शीट भी एग्ज़ाम के रिजल्ट के चार पाँच दिन बाद वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दे रही है। दोस्तों, जहाँ तक सबको बेसब्री से इंतजार है, मेरे चैनल के जो व्यूअर्स हैं उनको मेंटेनर के रिजल्ट का इंतजार है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि धीरे धीरे करके सारे ही पोस्ट के लगभग रिजल्ट आ चुके हैं और अब मेंटेनर का ही बचा हुआ है। तो उम्मीद की जा सकती है कि इस महीने में, आप कोई डेट तो हम फिक्स बता नहीं सकते हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे कि वो डेट बता देते हैं, लेकिन सच बात तो ये है किसी को भी डेट की जानकारी नहीं है। तो मैं आपको कोई भ्रामक डेट बताना नहीं चाहूँगा, बस इतना है कि इस महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है 20 तारीख से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगले हफ्ते में भी रिज़ल्ट आ सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप लोग अपने अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, जैसे ALP वगैरह के एग्ज़ाम्स आगे आने वाले हैं और जिन्होंने ट्यूबवेल ऑपरेटर के भर रखे हैं उनके फॉर्म्स एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप उनकी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, रिजल्ट की दिक्कत छोड़ दीजिए। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर दूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू।